इस दुनिया में ऐसे कई राज छुपे हैं जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस पर आपको शायद ही यकीन हो। द मिस्टीरियस लास्ट डोर। श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल भारत के केरला राज्य में मौजूद ये मंदिर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, पर इसकी प्राचीनता और महानता वो चीज नहीं है जो इसे खास बनाती है। असल में एक रहस्यमय चीज है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है। ये बात दशकों से लोगों को लगती थी कि इस मंदिर के नीचे शायद बहुत सारा सोना मौजूद है। इस मंदिर में कई वॉल्ट्स यानी रहस्यमय चैम्बर्स मौजूद थे जिन्हें कभी खोला नहीं गया था। खोज के बाद ये पता चला कि कुल मिलाकर 6 वॉल्ट्स मौजूद हैं, 6 चैम्बर्स यानी दरवाजे हैं। कोई नहीं जानता था कि इन चैम्बर्स के अंदर क्या है, कौन सा रहस्य मौजूद है इन चैम्बर्स के अंदर। पर 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के चैम्बर्स को एक एक करके खोला गया और आखिरकार 5 चैम्बर्स को खोल दिया गया। उन 5 चैम्बर्स में जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस चैम्बर में अरबों का ट्रेजर यानी खजाना पाया गया। पुरानी तिजोरी, पुराने सोने के सिक्के, अलग अलग सोने की मूर्तियाँ, ऐसी ऐसी चीजें उन 5 चैम्बर से निकली। इसकी कीमत अरबों में नहीं खरबों में है। जैसा लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब जो पुरानी गाथाएं लोगों ने सुनी थी वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। लोगों ने जो कहानियां सुना था खजाना और ये सब चीजें, ये सच में होती है। और 5 चैम्बर्स के खुलने के बाद ये आंखों के सामने था। पर एक चीज क्या आपने नोटिस किया कि 5 चैम्बर्स ही खुले थे, 6ठे चैम्बर के बारे में किसी ने बात नहीं की। आखिरी वॉल्ट, 6ठा वॉल्ट जिसका कोड नेम है वॉल्ट बी, वो भी बाकी वॉल्ट जैसा ही था। पर ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है। इसके दरवाजे पे 2 सांप बने हुए हैं और लोगों के हिसाब से ये एक वार्निंग है जो ये कहती है कि इस 6ठे दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश न करे। ये सांप उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। पर अभी तो बस शुरुआत है, अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आई ही नहीं। सबसे अजीब बात ये है कि इस दरवाजे पे न ही कोई चाबी की छेद है और न ही कोई ऐसी चीज जिसकी मदद से इस दरवाजे को कोई खोल पाए। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे कोई नॉर्मली नहीं खोल सकता। ये कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक धार्मिक रीति के जरिए खोला जा सकता है। इसे एक मंत्र से ओपन किया जा सकता है जिसे गरुड़ा मंत्र कहते हैं, और उसे वही इंसान खोल सकता है जिसकी मन की शक्ति, ध्यान की शक्ति सबसे ज्यादा हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो। और पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसे इंसान का जन्म नहीं हुआ जैसा कि इसे खोलने के लिए चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस 6ठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसे बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा, और इसलिए इसे सील कर दिया गया। और किसी को ये नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। इसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी मंदिर के ऑफिशियल लोगों के पास है जिन्होंने ये जानकारी किसी को नहीं दी है। पर ये पहली बार नहीं था कि इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई है। आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1908 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने पहली ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब कोबरा का एक झुंड उनके सामने आ गया, इसलिए वो एक भी दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हुए। पर 1931 में एक बार फिर से इन चैम्बर्स को खोलने की कोशिश की गई और इस बार सक्सेसफुली एक चैम्बर खोल दिया गया और उस चैम्बर से निकला बहुत सारा सोना। इसका मतलब असल में पहला चैम्बर 1931 में ही खुल गया था, पर वो बाकी चैम्बर्स को नहीं खोल पाए थे। बाकियों को क्यों नहीं खोल पाए थे इसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम। दिस इज क्लासिफाइड। 1908 में कोबरा का झुंड सामने आया था
पर 1931 के समय तो कोई कोबरा सामने नहीं आया, तो जब इस बार कोई बाधा नहीं थी उनके सामने, कोई सांप नहीं आया था, तो फिर उन्होंने पहले दरवाजे को खोलने के बाद बाकियों को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भी अंदर से निकलता है उसे दिव्य माना जाता है, जो किसी इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाकी चैम्बर्स को नहीं छुआ और फर्स्ट खुले चैम्बर को भी बंद कर दिया। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग इस मंदिर की तरफ आकर्षित हुए और ये बात फैल गई कि इस मंदिर में बहुत सारा सोना मौजूद है। और इसी के चलते गवर्नमेंट का ध्यान इस मंदिर के तरफ गया, पर इतनी सारी बातों के बावजूद भी इसे आखिरकार 2011 में पांचों चैम्बर्स को फिर से खोल दिया गया। 1931 के बाद 80 साल बाद यानी 2011 में इन्हें खोला गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, टोटल 5 चैम्बर आज तक खोले जा चुके हैं, पर छठा आज तक कोई नहीं खोल सका। पर सवाल ये है कि 1908 की तरह ही जब 1931 में उन दरवाजों को खोलने का प्रयास किया गया, तब कोबरा सामने क्यों नहीं आया, और 2011 में भी ऐसा कुछ रहस्यमय नहीं हुआ। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने पांचों चैम्बर्स को खोल दिया, पर छठा चैम्बर आज तक एक रहस्य है। अमेजिंग बात यह है कि छठे चैम्बर को भी इंडियन गवर्नमेंट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर जितने भक्त थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगाना चाहा, और इसलिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी किया। मंदिर से जुड़े हुए लोग नहीं चाहते थे कि छठा दरवाजा कोई जबरदस्ती खोले, और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने एक रिचुअल किया था जिसे देव प्रश्नम कहते हैं। ये माना जाता है कि इस रीति में वो लोग भगवान से खुद पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या इस दरवाजे को खोला जाए। उस रिचुअल के बाद इन्हें ये पता चला कि देवता भी नहीं चाहते कि ये दरवाजा खुले। जिन्होंने उस रीति को परफॉर्म किया था उन लोगों का ये भी कहना है कि इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक होगा, अगर ये छठा दरवाजा खुला तो सुनामी प्रलय आ जाएगा, चारों तरफ डिवास्टेशन होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है, क्या इसे ऐसे बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को इसे खोलना चाहिए? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना।